जिससे आपां कल विचार कीती सी कि जो सानू गुरमुखां ने समझाया है शिव शक्ति का खेल कि किस तरह मन खेलता इस खेल नू भुल जांदा है ते जदों संगत विच आके खेल दी सारी जानकारी फिर लैंदा है फिर गुरु की मत द्वारा मन शक्ति के घर विचों निकल के जदों निरंकार परमात्मा के निज घर विच प्रवेश होता है उदों फिर जदों मालिक के हुक्म दे विच आउंदा ते फिर वो ध्यान रखता भी हुण मैं किस तरह विचरना है इस खेल दे विच किस तरह चलना है। हुण जदों मन इत्थे हुंदा है घर विच तां उस वक्त ये मन निरंकार के दर्शन करता है उस वक्त ये अमृत पींदा है और ये जो निरंकार परमात्मा का शब्द है नाम है ओदे नाल जुड़िया रहिंदा है ते जिस करके इहनूं लोक अते परलोक दी सोझी हुंदी है इहदा मन उस वक्त ब्रह्म ज्ञान विच हुंदा है। इस अवस्था दे विच मन उत्थे हुंदा है इहनूं सोझी हुंदी है जौले मनुआ उन्मुन रहे तीन लोक की बाता कहे उन्मुन अवस्था दे विच दर्शन करता है अमृत पींदा है नाम दे नाल जुड़िया रहन करके ब्रह्म ज्ञान इहदे कोल हुंदा है ते उस वक्त जिथे बैठा है उस नूं कहिंदे ने सुखमणि सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना के मन विश्राम ये चीज़ा उसनों प्राप्त होंदियां ने जेड़ा भगती करता है ते भगती करने वाला मन फिर इत्थे बैठता है इनू सुख दा घर कहिंदे ने इस नूं सुखमय लाखदे ने सुख दा घर है आनंद है जिथे ये मन फिर इत्थे बैठता है ते कौन बैठता है केड़ा जांदा है महाराज फरमाउंदे ने जिहड़ा गुरु दी मत लैंदा है ढोई तिस नूं ही मिले जिन पूरा गुरु लब्भा नानक बद्दा करता हां जिथे जन्म न मृत न जरा। हुण इस घर विच जदों मन बैठता है सुख विच है आनंद विच है इत्थे ही बैठ के गुरु अर्जन देव जी ने सुखमणि सहिब बाणी का उच्चारण किया है
क्योंकि इतने जो मन बैठता है मालिक के सन्मुख होता है तो वो निशानी दसी है मस्तक पदम दुआले मणि माहे निरंजन त्रै पवन धनी पंच शब्द निर्माइल वाजे ढुलके चवर संख कण गजे। हुण इथों तक किवें पहुंचे ने ते उन्होंने सारा दस्या कि सिमरन करके ही पहुंचे हैं। कलेश तो मुक्त होए सिमरन कीता इत्थे पहुंचे। सिमरो सिमर सिमरन सुख पावो। हुण इत्थे जदों अपना मन पहुंचता है प्रवेश हुंदा है मन नूं सुख मिलता है उसने फिर खेलण वास्ते आना हुंदा है क्योंकि खेल रोज का है। कल आपां विचार कर रहे सी दिवस रात दोएदाई दाया दिने इधर आ जाना है रात नूं उधर चले जाना है। हुण इत्थे सुख है इस घर विच दुख पर हर सुख कर ले जाए। इथों जदों मन फिर सवेरे आउंदा फिर बेनती करता है भी हुण फिर असीं जा रहे हाँ उत्थे फिर बहुत सारियां लहरां चलदियां ने ते उन्हां लहरां तों किवें बचना है किवें साडा बचा हो सकता है उहदे वास्ते फिर बेनती करता है भी मसां तां पहुंचे हाँ कि हुण जदों असीं जाना है उस इलाके विच ते फिर किवें बचिए। जो आपां कोशिश करनी है ये नहीं भी आपां इत्थे हुण सिमरन कर ले बस भुल गए। हुण ये रोजाना दा रोजाना खेल है। जे तुसीं अज जित के चले गए कल नूं फिर वो नवे तरीके नाल तुहानूं भरम विच पाउणगे। इस करके ये गुरमुख फिर रोज जांदे ते सिखदे ने। इत्थों जदों सवेरे मन आउंदा है फिर बेनती करता है भी जदों असीं जाने हाँ बहुत सारे विचार फुरने माया दे विच्चों सानू देल लग पैंदे ने। असीं उधर चले गए तो साडा ध्यान टुट जाता है ते असीं चाहुंदे तुहाडे नाल उह साडी प्रीत ना टुटे तुहाडे नाल मिल के सानू सुख मिलता है तो मालिक नूं बेनती करदे तां मालिक नूं पुछदे ने कहिंदे मोह के बोलण बोलिए जित सोणा तरे प्यार भी हुण असीं जाणा है उत्थों मुख दे विच्चों किहो जिहा बचन निकले कि तुहाडा साडा प्यार ना टुटे। वह फिर समझाउंदे ने कि जदों तुसीं जाणा है प्रवेश होना है जिथों काल का इलाका शुरू होता है तो इसे ही महाराज कहिंदे ने वेला। पवन आरंभ सतगुर मत वेला। जदों तुसीं जाके खेल शुरू करना पाउण विच ते तुसीं अपना ध्यान शब्द नाल जोड़ना है। पहला जे तुसीं शब्द नाल जुड़ोगे ते शब्द नाल जुड़न ते मुख दे विच अमृत आ जाएगा ते जदों फिर तुसीं बोलोगे तुहाडे मुख विच्चों दुविधा दे बचन ईरखा दे नहीं निकलणगे तुहाडे मुख दे विच्चों उस्तत दे बचन निकलणगे वडियाई दे बचन निकलणगे
उत्थे जाके ते तुसी मेरी वड्याई करोगे, उस्तत करोगे, ते मेरा तुहाडा प्यार नहीं टुटेगा। ये सब तो ध्यान रखने वाली गल है। मोह के बोलन बोली है, जित सुन धरे प्यार अमृत वेला सच नाओ, वड्याई विचार। क्योंकि परमात्मा प्यार दा है, वड्याई दा है, वह चाहता कि मेरी वड्याई कर। गोविंद भाओ भगत का भुखा, आंदा भी ये बच्चा जाए तो मेरी उत्थे उस्तत करे, आंदे हो तुसी जाओ तो मेरी उत्थे वड्याई शुरू करो। जे तुसी वड्याई करोगे, उस्तत करोगे, मेरी तुहाडे ते खुशी रहेगी। इत्थे फिर गुरमुख नूं जदों हुक्म करदे ने, आंदे भी असी किस तरह वड्याई कर सकते हाँ, सानू तां पता नहीं है की बोलना है की करना है। पांदे तुसी कोशिश करनी, काल नू लागे नहीं आउण देना, शब्द नाल जुड़ के रहना है, ते अपने आप ही तुहानू सोझी आ जाएगी, अपने आप ही तुहानू सारा भेद आउण लग जाएगा। इत्थे फिर जदों गुरमुख आउंदे ने ते सवेरे आपां जिस तरह प्रवेश होना है, इत्थे हुण ध्यान रखना जो खेल शुरू होने लगे। इस करके गुरमुख सवेरे आने लग्या मेहनत करते हैं, पाते सबाही सबाहा जिनी त्याया एक मन, सही पूरे शाह जे वक्ते ऊपर लड़ हुए। जदों इत्थे प्रवेश होना है सब तो पहला सवेरे, ते इत्थे प्रवेश हो के नाल ही शब्द नाल जुड़ना है। कुछ समा जदों तुसीं सवेरे शरीर च आउंदे हो, ते कुछ समा बैठ के शब्द नूं जरूर सुनिया करो। सीधा किरिया करन दी लोड़ नहीं है, जदों आना दर ते बैठ के शब्द दे नाल प्यार पा लेना, बैठना। इथों फिर जदों शब्द नाल जुड़ के फिर मन ने इस लोक विच आ जाना है, इथों फिर काल का इलाका शुरू हो जाना है सारा। हुण जदों फिर मन इत्थे आ गया, हुण काल दे देश दे विच जदों आ गया, इत्थे आके कोई ना कोई कर्म करना है। आठा दिओ गुरमुखां नूं, चोग लग गई उन्हां दी लग गई पिछे। इत्थे जदों मन आ गया, उन्हें कर्म करना है, काल दे देश दे विच रजोगुण ते आउणा है, ते उहदे वास्ते आ जिहड़ियां कर्म इंद्रियां ने इन्हां दी जरूरत पैंदी है, जिस तरां अपने हाथ पैर ने। इनू बाणी विच कपड़ा कहिंदे ने, ते जदों तुसी इत्थे आ गए, शब्द नूं सुणिया, इत्थों फिर प्रवेश होना है काल दे देश दे विच। आ सब काल दा इलाका है, तुहाडे इत्थों जदों तुसी नेत्र खोलणे ने अपने, ते अपना ध्यान किथे रखना है? करमी आवै कपड़ा, आ कपड़ा पहनना है तत्तां दा। ते जदों इत्थों कपड़ा पहने, ये हाथ पैर हिलन लग पे, लत्तां पैर कम कर लग पईआं, ते तुसी अपना ध्यान किथे लै जाना है? रोज़ आपां जपजी साहिब जी पढ़ते हाँ, तुसी पंक्ति बोल के सुनाओ। करमी आवै कपड़ा नदरी मोख द्वार, नज़र है आ दृष्टि आ ध्यान, आ जिहड़ी अपनी नज़र है, ये जिहड़ा ध्यान है, ये किथे रखना है? मोख द्वार विच। जिस तरह तुसी सैर करन चले गए, सैर करन जा रहे हो,
अपनी जिहड़ी दृष्टि है उहनूं इत्थे सामने रखना है, नेड़े रखना है। ते जदों ध्यान इत्थे नेड़े रहेगा, ध्यान मुख द्वार विच रहेगा, नेड़े रहिंदा है, इस नूं परमात्मा दा वेड़ा भी कहिंदे ने। आ जिहड़ा मन है ये बच्चा है, इहदा जदों मन आ गया वो इन्ने याड़ दे विच वेड़े दे विच रहिंदा है, परमात्मा दी शरण विच रहिंदा है। ते जदों इत्थे वेड़े दे विच खेलदा है ते उह खुश हुंदे ने। करमी आवे कपड़ा नदरी, नानक एवै जाणिया सब आपे सचियार। इस तरह फिर जदों मन इत्थे वेड़े विच खेलदा है, परमात्मा देखते ने कि बच्चा नेड़े ही है। हुण गुरमुख इत्थों आ गए, सवेरे आ गए, इत्थों शब्द राही जदों इत्थे ध्यान आ गया, ये काल दी टीम जिहड़ी है ये भी सतर्क हो जाती है। काल नूं अपना डर हुंदा है भी जे असी तमाशा ना कीता तो असी हुकम तों बाहर हो जाएंगे। इधर गुरमुख ने आउंदिआं ही ध्यान मुख द्वार विच रख लिया, इधरों इन्हां ने तैयारी कर ली भी मन साढ़े इलाके विच आ गया तो हुण आपां की तरीका वरतीए। इन्हां विचार कीती भी इहदा ध्यान बदलण दा जतन करिए भी इत्थों मुख द्वार तों ध्यान हटाइए। इस दा उस वास्ते की करदे ने, इह पंजे जणे रूप बदल लैंदे ने अपना भी इहनूं हुण पता तो लग गया है ये काम क्रोध लोभ विचारां च आ जांदा है, ये दुविधा ईरखा दा तो इहनूं पता लग गया भी दुविधा नहीं करनी, ईरखा नहीं करनी, तो ये तो करेगा नहीं। वो फिर की करदे ने, ठगां दा रूप धारण कर लैंदे ने ध्यान बदलण वास्ते, तो जो बड़ा खतरनाक हुंदा है। इत्थों ध्यान हटाउण वास्ते काल दे जिहड़े दूत ने वह ठग बन जांदे ने, ते किहो जिहा रूप बनाउंदे ने, उह आंदे राज माल जात अरूप जोबन, इन्हां ने वख वख अपना ध्यान बदल लिया। ये पंजे ठग इन्हें ठगी जग ठगिया कि नहीं ना रखी लज, इन्होंने की किया इहदा ध्यान बदलने वास्ते ते सोहना रूप प्रगट कर दिता। अगे भी इहदे अंदर जिहड़ी काम की लहर है वह पैदा हो जाए। ये जा रहा है ध्यान विच इहदी तृष्णा वधाउण वास्ते। ऐसे कई तरीके दे नाल होर चीज़ां प्रगट कर दित्तियां, क्योंकि काल जिहड़ा ये जानता है कि रूपे कामे दोस्ती भुखे सादे गंड, भी ऐसी अवस्था दे विच इहदा ध्यान बदल सकता है। इन्हां ने इहो जिहे रूप तैयार करने शुरू कर दिते, करदे करदे हौली हौली ये ठगां दा रूप धारण करके इहनूं सलाह देण लगे, ऑप्शन देण लगे भी तुसीं बंदे ते बड़े चंगे हो, बड़ा वधिया सुभाअ है, ते तुहानूं राज भाग ना दे दीए, तुहानूं राजे ना बना दीए, इत्थों दे हुण ध्यान बदलना है कि मन इत्थों चला ना जाए। पहले तैनूं कोई अहुदा दे दिए, तैनूं राज दे दिए, फिर ध्यान बदल दे। हुण जे तां गुरमुख है जुड़िया होया उहदा बचाव हुंदा है, जे माड़ा जिहा भी ध्यान इधर चला गया तो लालसा पैदा हो जाती है।
ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਨਾ ਪੜੋ ਹਰ ਬਿਨ ਹੋਰ ਨਾ ਪੂਜੋ ਮੜੇ ਮਸਾਨ ਨਾ ਜਾਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਜ ਨਾ ਭਰ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਾਲ ਦੇ ਦੂਤ ਕਈ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸ ਦੇ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਆਪੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਹਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਿਧਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਿਧਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਅੱਗਿਓਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾ ਕਾ ਠਾਕੁਰ ਉੱਚਾ ਹੋਈ ਸੋ ਪਰ ਕਰ ਸੋ ਜਨ ਪਰ ਕਰ ਜਾਤ ਨੂੰ ਸੋਈ ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੂਤ ਜਿਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਪੁਤਲਾ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਦਬਾ ਲਏ ਨੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾ ਦੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣਾ ਦੀਏ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਪਦਵੀ ਦੇ ਦੀਏ ਵੀ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲੇਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 'ਤੇ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਹੈ ਜੇ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜੱਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਕਰਮ ਵਸੇ ਮਨ ਆਏ ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕਾ ਠਾਕੁਰ ਉੱਚਾ ਹੋਈ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਾਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਸੋ ਪਰ ਕਰ ਜਾਤ ਸੋ ਜਨ ਪਰ ਕਰ ਜਾਤ ਨੂੰ ਸੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ
वेखन नूं किन्ना सोहना लगता है तू, किड्डा सोहना शरीर बनाया है तेरा, विच जोत रखी है, ते तैनू शर्म नहीं आउंदी, तू इन्हां दे नाल तुरिया फिरदा है। ते गुरमुख अगों नूं कहिंदे ने, कहिंदे रे नलज लाज तोय नाहीं, हार ताज पर कर जाही। आंदे हरी नूं छड के, परमात्मा नूं छड के तू इन्हां दी सलाह लै रहा है, यह चंगी गल नहीं है। तू जीवन जीना है परमात्मा दे अनुसार, ते तू इन्हां दे नाल रल के इन्हां दी मत लै के चल रहा है, ते तैनू शर्म नहीं आती। हुण जिहड़ा मनमुख है वह इन्हां दे काल दे दायरे विच जदों सवेरे आउंदा ही फस जाता है, तो इन्हां दी ही भाषा बोलनी शुरू कर दिंदा है। तो उहदा काम ही यह हुंदा है कि जिहड़ा को गुरमुख सच दे नाल जुड़ रहा है, जुड़िया होया है, उहनूं किसे ना किसे तरीके दे नाल उहदा ध्यान बदलिया जाए। इत्थे फिर तुसीं बड़े तरीके नाल पहचान करनी है भी साडी टीम दा मैंबर किहड़ा है, ते किहड़ा साडा मैंबर खरीदिया गया है। यह जदों तुसीं आके कर्म करना शुरू कर दिता उदों पहचान होनी है तुहानूं। ते गुरमुख फिर पहचान लैंदे ने, उन्हां देखिया भी ते दूजी टीम दा मैंबर है, मनमुख दूजी तरफ है, देखो नज़र निहाल। हुण गुरमुखा ने जदों दृष्टि पाई उहदा मन देखिया, उहदे तां दूसरे पासे चला गया। ये तो शक्ति दे नाल जिथे साडा जिदे नाल मैच पैना सी उस टीम च रल गया। हुण पता नहीं लगता, इस तरह बड़ा ध्यान का खेल है। जिस तरह घर दे विच्चों ही कोई खरीदिया जा सकता है, हरणाकश ते प्रहलाद, हुण प्रहलाद गुरमुख है, भगत है, ते ओ जदों इस काया विच प्रवेश करदे ओ चाहुंदे कि परमात्मा दी कोई गल होवे, परमात्मा दे नाल जुड़िया जाए, तो कोशिश करदे जिथे भी बैठदे ने ते रब दी गल परमात्मा दी गल करदे। प्रहलाद पठाए पढ़न साल, वो बच्चा सी, स्कूल ही जाना सी उन्हें पाठशाला विच, हुण आपां जॉब ते जाना है, आपां ऐसा समझना है सारा खेल। जदों तुसीं कर्म ते आउणा है उत्थे ही तोड़न दा जतन करना है आपां, क्योंकि उत्थे कोई ना कोई काल ने खरीदिया होया भेजना है। ते जदों उत्थे भेजिया, प्रहलाद पठाए पढ़न साल, संग सखा बहलीए बाल, उन्होंने बच्चियां नूं इकट्ठा कीता ते परमेश्वर दा नाम जपन लगे, जपाउन लगे। ते ऐसी अवस्था विच जिहड़ा काल दे वस सी ते उन्हें रोकना शुरू किया। वो कहन लगे ये गलत है, तुसी जिस दी पूजा करदे हो वो तो है ही नहीं, भगवान दा सामने दिस रहा है, हरणाक्ष नूं मन्नो ते उहदी पूजा करो, जे जपना ही है ते उहदा नाम जपो। ते वह कहन लगे मोको कहा पढ़ावस आल जाल, मेरी पट्टिया लिख दो श्री गोपाल। आंदे मैनू दूसरे की पढ़ाई क्यों कराउंदे हो, मैं दूसरे का नाम क्यों जपा, मैं दूसरे के नाल क्यों जुड़ा, मैं तो एक दे नाल जुड़िया होया हाँ, परमेश्वर दे नाल, परमात्मा दे नाल जुड़िया होया हाँ।
हूँ आप भी जो आना तो उस एक दे नाल जुड़ना है। तो गुरमुख एक दे नाल जुड़िया है, मनमुख के बचना का वो असर नहीं होंगे, भावें वह किसी रूप में भी आते हैं। जे असर हो रहा है तो समझो पूरा प्यार नहीं पिया हो। हुण जदों कर्म करना है तो ध्यान मुख द्वार विच शब्द विच, ते गुरमुख इस तरह विचरदे ते कर्म करदे ने। मनमुख दे राही काल कोशिश करदा है, पर गुरमुख दी बुद्ध विवेक हो गई उहदे उपर मनमुख दी गल दा कोई असर नहीं हुंदा। ते जदों असर नहीं हुंदा ते मारे सच्चे पातशाह बड़े खुश होंदे ने, कहिंदे इहदा हुण प्यार मेरे नाल पै गया है सिद्धा, ते मेरे ते विश्वास करदा है, ते काल दीआं गल्लां दा चिंतावां दा इहदे ते कोई असर नहीं। ते उत्थे गुरमुख दी की अवस्था हुंदी है? गुरमुख भगत हर प्यार है, हर भगत हर का प्यार है, जे गुरमुख करे विचार। सो जन रलाया ना रले, जिस अंतर विवेक विचार। हुण इत्थे गुरमुख जिहड़े ने उह फिर रलदे नहीं नाल, उह अपने मार्ग ते चलदे रहिंदे ने, ते जिहड़े काल दे दायरे दे विच ने उह काल दी भाषा बोलदे रहिंदे ने। इस करके जदों फिर आपां विचरना है ये ध्यान रखना हुंदा है। मर कहिंदे संत न छोड़े संत ही, जे कोटक मिले असंत। इत्थे ते आपां नूं वधिया है, क्योंकि इत्थे हुण आपां नूं कोई टोका टकाई करन वाला नहीं है। जदों तुसीं अपनी जॉब ते जाना है, उत्थे किसी दे कोल बैठना, उत्थे तुहाडे उपर किसी दीआं गल्लां दा की असर हुंदा है, ये मायने रखदा है। भी जे किसी दी गल दा असर होण लग पिया, समझो परमात्मा नालों प्यार टुट रहा है, ते माया उपर पै रही है, ते माया इस तरह ही हौली हौली पैंदी है। इधर हुण जिस तरह हुण आपां संगत विच आए, तो किस तरह माया पैगी? जदों आप इतों वेले हुए तुहानू कोई फोन आ जाएगा, कित्थे जे, तो मैं तो संगत विच हाँ। तो संगत विच की करते हो? कम ते नहीं सी जाना तुसी? मैं छुट्टी कर ली। लै छुट्टी कर ली, क्यों कीती छुट्टी? इन्ना नुकसान हो गया, वह कितने ना कितने फुरना अंदर आ जाएगा। हुण इस तरह गुरमुख नूं भी फोन आउंदा है, आवाज मारदे ने कई भी तुसीं कित्थे चले गए? आउंदे संगत विच सिमरन कर रहे हो, तो आउंदे ने इह काम करी जाओ, तो जवाक कितने पालने ने, घर दे काम कितने चलने ने, अगां भविख फ्यूचर तुहाडा कितने चलेगा। कई तरह के मनमुख दे कोल बहुत सारियां उदाहरणां हुंदियां ने। मर कहिंदे ने ज्यों निगुरा बहो बातां जाने, वह कहेगा घर में नहीं सिमरन हुंदा तुहाडे को, तुसीं इत्थे नहीं कर सकते। हुण ऐसी अवस्था विच गुरमुख कहन लगे भी असीं खोज कीती है, असीं संगत विच सिखण वास्ते आए हाँ, सिमरन कर रहे हाँ, जॉब ते जे कोई सिमरन कर रहे हाँ। वह कहिंदे हर भेखन को सिमरत मन मेरा, आंदे मैं सिमरन कर रहा हाँ परमेश्वर नूं मिलन वास्ते। ते जिहड़ियां गल्लां तुसीं करदे हो, राज दियां, माल दियां, सारा कुछ, ये तो सारा कुछ मैं देखिया। तुला धार तोले सुख सगले, बिन हर दरस सबो ही थोरा। आंदे ने जे परमेश्वर का दर्शन नहीं किया तो ये तो सुख अल्प सुख ने। इत्थे भी बहना है, उत्थे बह के भोजन रेस्टोरेंट खा लिया, उत्थे खा लिया,
आओ कपड़ा कहिंदे इह तां अल्प सुख ने, इह सुख नहीं चाहिए सानू, सानू तां परमेश्वर दे नाल प्यार चाहिदा है। ते असी इस वास्ते अपना कर्म दे नाल नाल ध्यान पार ब्रह्म दे विच रख रहे हां, ते असी इह रस्ता नहीं छड्डना, भावें तुसी जो मर्जी करी जाओ ये रस्ता असी नहीं छड़ सकते, क्योंकि ये सुख है, ये आनंद है। इतने फिर गुरमुख अपना ध्यान बदलते ने, कोशिश करते ने कर्म के नाल नाल उहदा नाल जुड़िया जाए, ये असल जीवन जाच है। यही गुरु साहब ने आपानू भगतां ने प्रगट करके दिती है, हाथ पाँव से कम कर चित निरंजन नाल। माया का असर नहीं होना चाहिए गुरमुख के उपर, स्वयं परपक करना है, फिर वो गुरमुख उहदी जदों अवस्था देखते ने ते मनमुख दे की हालात ने वह भी नाल नाल आपां विचार करते हाँ। अब हुण आपां इहदे विच परपक रहना है, हर थान ते काल दे नुमाइंदे खड़े होए ने, काल का देश इस करके इसनूं आखदे ने, कलयुग इस करके आखदे ने, बहु गिणती उहनां मनां दी है जिन्हां दे उपर काल का राज हो रहा है, ते जिन्हां दे उपर काल का राज है वह कलयुग है। बहु गिणती जदों काल दे वस मनां दी हो जाए उहनूं ही कलयुग आखदे ने, ते इत्थे थां थां ते काल ने अपने दूत खड़ाए हुए ने। जदों तुसी निकलोगे किसी पासे तुसी ये पहचान लेना है भी इहदी गल सुन के असी फसन लगे हाँ जां निकल लगे हाँ। मर कहिंदे फसन की बेद सब कोई जाने, छूटन की आदको। फसाउण वास्ते काल ने बहुत तरीके, पर कढ़न वास्ते उन्हें मौका नहीं देना, तुहानू बहुत चिंतावां पा देनियां ने, संशय पा देने ने। सो इस करके आओ इहनूं आपां होर परपक करिए। जदों सवेरे आपां शरीर चाउंदे हां ते एकदम अखां नहीं खोलणियां, थोड़ा चिर इन्ने दायरे दे विच सिमरन करना है, तां ध्यान इत्थे एकागर करना, फिर शब्द सुनना ते फिर नेत्र हौली हौली खोलणे ने। ये आपां प्रैक्टिकल कर लईए भी किस तरह सवेरे आपां आउणा हुंदा है। रात तुहानूं शरीर छड्डण दा आपां विचार कीती सी, दस्सिया सी कि सौना किवें है, हुण आपां सवेरे आउणा किवें है ये सीखना है। जदों सवेरे सुरत इत्थे आ गई एकदम अखां नहीं खोलणियां, कुछ समां सुरत नाल सिमरन करना, इन्ना कि सवास इन्ने दायरे दे विच, ते इत्थे ध्यान रख के कुछ समां सुरत नाल सिमरन करना, फिर नेत्र हौली हौली खोलणे ने। आओ सारे जणे अखां बंद कर लो, ध्यान इन्ने दायरे ते लैओ जे नहीं कंट्रोल थोड़ा बोल के कर लो, बोल के फिर ध्यान इत्थे लियाओ, फिर थोड़ा चिर अंतरगत बैठ के फिर आपां बाहर आना है मोख द्वार विच।